टाइगर श्रॉफ ने अपने छोटे से करियर में भी बड़ा नाम कमा लिया है। बागी और बागी 2 जैसी फिल्में देखकर उन्होंने यंगस्टर्स को अपनी तरफ खींचा है। धमाकेदार एक्शन, माइंड ब्लोइंग बॉडी और शानदार डांस वाले टाइगर के पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है। वे फिलहाल करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग में व्यस्त है। इसके अलावा वे सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ भी धमाकेदार फिल्म में नजर आने वाले हैं। वहीं उनकी फिल्म बागी 2 रिलीज होने के पहले ही बागी 3 की अनाउंसमेंट हो गई थी। फिल्म में टाइगर का काम देखकर निर्माता साजिद नाडियावाला इतने खुश थे कि उन्होंने फिल्म की अगली कड़ी की अनाउंसमेंट कर दी। अब टाइगर अपनी इस फिल्म की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म में एक बार फिर टाइगर अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। खबर के मुताबिक टाइगर अगले साल मई या जून में बागी 3 की शूटिंग शुरू कर देंगे। तब तक के लिए वे ऋतिक के साथ अपनी एक्शन फिल्म की शूटिंग पूरी करेंगे। वहीं फिल्म के इस तीसरे हिस्से का निर्देशन भी अहमद खान करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि साजिद नाडियावाला फिल्म के इस भाग में भी एक नई हीरोइन लॉन्च करेंगे। इससे पहले 2 भागों में श्रद्धा कपूर और दिशा पाटनी फीमेल लीड में थी। अब देखते हैं कि अहमद और साजिद मिलकर टाइगर के लिए कौन सी नई एक्ट्रेस लाते हैं। वैसे टाइगर को नई एक्ट्रेस के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं आती। उन्होंने कृति सेनन, दिशा पाटनी जैसी हीरोइंस के साथ काम किया। वहीं सोटी 2 में भी वे अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बागी 3 में एक्ट्रेस कौन होनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलेगी सबसे पहले।